तो गाइस अभी बच गए हैं 5:00 और रूही भी उठ चुकी है। और रूही क्या कर रही है वो आपको मैं बता रही हूँ। तो ये देखो रूही क्या कर रही है। रूही क्या कर रही है अभी? अलमारी में मैं कोई सोता है भला? सोता तो नहीं है, लेकिन मैं कपड़े क्या पहनूं वो समझ में नहीं आ रहे हैं। तो गाइस कमेंट में बताओ इतने सारे कपड़े कौन के पास होता है। मेरे पास इतने सारे कि मैं सोच ही नहीं सकते ये पहनूं वो पहनूं ये पहनूं। तीन तीन सब एक सब पहनूं मैं पहन ले एक के नहीं नहीं ऊपर नहीं एक। पहले वैसे भी मेरे लिए विंटर चल रहा है ना, तो ठंडी बहुत है। पहन ले एक के नहीं ऊपर नहीं एक, एक के ऊपर एक। तो पहले मेरे नहीं सोचूंगी इसका, मैं इसका सोचूंगी। ये तो उसका नाइट ड्रेस है, गाउन है इसका। एक अभी इसका ग्रीन कलर का मेरे जैसा था ऐसा ही था। उसको रेड बोलते हैं, उसको ग्रीन नहीं बोलते। ऐसा ग्रीन कलर का इसका स्कर्ट था, लॉन्ग था। तो मैं इसको ढूंढ रही हूँ कहाँ पे छोड़ दिया है मम्मी ने। तो यहाँ पे बैग में छोड़ ढूंढती हूँ। वो तो मैंने फेंक दिया, वो तो मैंने फेंक दिया, मुझे क्या पता। तो क्या वो उसका ड्रेस था? तो कोई बात नहीं, हम दूसरा बना लेंगे उसमें। क्या तो क्या इसे भी हम साथ में ले जाएंगे आज? मेरी डोर है ओ ना, नो। मैं वहां पे चेक कर देती हूँ। तो गाइस ये देखो पागल लड़की पूरा दिन डोल को साथ में ही रखती है, अभी वहां क्या ढूंढ रही है? तो कोई बात नहीं, उसको हम नहीं ले जाएंगे ना, घर पे ही छोड़ देंगे। नहला देती हूँ मैं इसको। तो गाइस मैं नहला देती हूँ, तब तक के लिए मैं 1 मिनट व्लॉग को थोड़ा सा कर दूँ क्या कर दूँ? थोड़ा सा क्या कर दूँ? स्टॉप, थोड़ा सा क्या कर दूँ? थोड़ा सा क्या क्योंकि इसको स्प्रे से पानी वाले थोड़ा सा क्या? स्टॉप कर दूँ इसको ना, पानी से थोड़ा स्प्रे होना होता है इसको पहले पहले नहलाना है। उसका मुंह बाद में धोना, पहले तेरा मुंह तो ठीक तरह से धो ले। अच्छा पहले मैं मेरी बच्ची की करूंगी। ठीक है, ठीक है गाइस। तो अभी रूही क्या करने वाली है तू? अब इसका मैं हेयर तो ठीक ही है, ये भी ठीक है, शूज तो निकल भी सकते। इसका खोल इसको निकलाना है। तो गाइज अभी रूही वो पहले उसकी डोल को ठीक करेगी, बाद में वो रेडी होगी ये स्प्रे से उसको पूरा नहलाएगी, बाद में वो रेडी होगी, फिर रूही बताएगी कि हम कहाँ जाने वाले हैं ना रूही। तो वो आपके लिए क्या है रूही? तो मिलते हैं। थोड़ी देर इसको नहला देती हूँ, फिर मिलता है इसको कपड़े बपड़े पहनो के। तो अभी ये दोनों का मेकअप से कप हो रहा है। रूही क्या कर रही है? अभी मैंने गाड़ी को क्रीम लगा के फाउंडेशन, क्योंकि हमको धोरा धोरा बना देता है। धोरा क्या बना देता है? धोरा गोरा, वो उसका मीनिंग क्या होता है? धोरा धोरा का मीनिंग क्या होता है? गोरी गोरा। अच्छा गोरी बना दे देंगे। ये क्या लगाया तूने? वो ज्यादा नहीं लगाते बच्चे, ये स्किन के लिए खराब है, तेरी तो नेचुरल स्किन है। मेरी नेचुरल नहीं, काली है पूरी। नहीं तू तो गोरी है। तो गाइस मैं और मेरी डॉल, उसकी डॉल रेडी हो चुके। उसने भी पोनीटेल बनाई, मैंने भी पोनीटेल बनाई। तो फाइनली अभी हम जाएंगे घूमने ये सब मेकअप। हाँ कितना टाइम लिया तूने? पूरे 1.5 घंटे। कितना? अभी ये रूही बोलती है कि फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन वो जब तक घर से बाहर ना निकले तब तक हम नहीं कह सकते कि वो रेडी हो चुकी है ना रूही? हाँ। तो
गाइस अभी अभी ये इसका ही नहीं खत्म हो चुका, मेरा तो खत्म हो चुका। अभी देखो ये एक तो यहाँ रेडी हो चुकी है और गाइस वो भी यही बोलती है कि मैं रेडी हो चुकी हूँ कब की। और गाइस यहाँ करो नीचा करो नीचे। तो गाइस ये ना इसकी इसको बता भी मत। अभी यहाँ साइड पोनी नहीं होती, उसने कहा कि मम्मी ये ठीक लग रहा है, बहुत ही अच्छा, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मम्मी ने बोला। तो अभी उसने ये ऐसे रखे। तो गाइस आप ही बताओ कि इसका हम क्या करें, पागल हो चुकी है लड़की। हाँ तो अभी हम घूमने जाएंगे कि नहीं जाएंगे बेटा? जाएंगे। ठीक है गाइस अभी ये मम्मा यार इसको बोलो ना जल्दी करे। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? भवनाथ जा रहे हैं। भवनाथ यानी जूनागढ़ गिरनार तलेटी। ये है हमारा जूनागढ़ का नरसी तलाव। यहाँ पे यहाँ पे लोग शाम को घूमने के लिए आते हैं और बैठने के लिए भी आते हैं। ये दोनों एक ही होता है ना, घूमना और बैठना। आप तो इतना समझाती है सामने वाले को, जा रहे हो आप कोई बड़ी वाली वो टीचर हो ऐसी समझाती है। हाँ तो मैं मैडम ही हूँ ना। लड़की का बाहर की घर की। ये हम कहाँ से जा रहे हैं? ये शॉर्टकट आडे धड़। गाइस आपको आडे धड़ का मीनिंग पता है? शॉर्टकट वो कमेंट में लिखना आडे धड़ का मीनिंग क्या होता है। हाँ जो ये रूही को पता है। तो गाइस हम लोग फाइनली भवनाथ के अंदर एंटर हो चुके हैं। हाँ गाइस अभी हम भवनाथ के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये देखो ये पहाड़ है, ये देखो सारे कितने सीन इसका बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मंदिर तो ढेर सारे रहते हैं। ये देखो ये क्या है रूही? ये है अशोक शिलालेख। कहाँ पे है? इसके अंदर बहुत बड़ा पत्थर है, मतलब ये है अशोक शिलालेख। ये सब बोलते हैं कि इसके अंदर जो पत्थर है ना वो बड़ा होता जा रहा है। देखने को मिलेगा है ना रूही? तो क्या रही है मालूम नहीं है। रूही किस सोच में डूबी हुई है? पहाड़ देख रही है, एंजॉय कर रही है ना। हाँ गाइस तो वैसे तो हम गुजराती है लेकिन वो क्या है कि गुजराती लैंग्वेज सबको मालूम नहीं होती ना, तो इसलिए सबने बोला कि आप हिंदी में व्लॉग बनाओ, हिंदी में वीडियोस बनाओ। इसलिए अब हमने गुजराती वीडियोस बनाते हैं लेकिन कम बनाते हैं, हिंदी व्लॉग्स चालू किया है। इससे भी हमारी मातृभाषा तो हिंदी ही है ना। हाँ ये देखो गाइस ये है भवनाथ का मेन मंदिर, लेकिन वो परिक्रमा की वजह से यहाँ से नहीं जाने देंगे, फिर हम लोग यहाँ से ही यू टर्न ले रहे हैं। ये देखो यहाँ का नजारा। शॉपिंग वो पप्पे और वहाँ पे जाने वाले थे लेकिन वो आगे
गाड़ी नहीं जाने दे, बहुत ट्रैफिक है, इसलिए हम लोग वापिस हो रहे हैं, मतलब आगे जाएंगे। साधु संत भी आ गए देखो, और आगे का क्या हालचाल है वो मालूम नहीं है, लेकिन जाने तो नहीं देंगे, यहाँ से भी जाना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, वो पक्का है। ये देखो रूही बहन को नाश्ता करना था और यहाँ पे सभी दुकानें बंद, तो रूही बहन मायूस हो गया है। तो भाई यहाँ पे सब बंद हो चुका है, इसलिए हमारा ब्लॉग यहाँ पे ही एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।